ये देखिए मैं सैंडविच बना रही हूँ और इसमें मैंने टमाटर डाला है, काली मिर्ची और नमक डाला है। तो ये ऑमलेट बनाऊंगी, फिर मैं सैंडविच बनाऊंगी खाला के लिए और बाजी के लिए। ये देखें तो ये मैं बना रही हूँ और इसको मैं रखती हूँ। इसमें फिर मैं देसी घी डालूंगी थोड़ा सा, और ये देखें मैंने घी डाल दिया, बस थोड़ा सा डालूंगी। ये देखें अभी मैं इसको रखती हूँ इधर और ये मैं पका रही हूँ। अभी ये ऑमलेट तैयार हो जाएगा, फिर मैं जो हूँ ना सैंडविच बना लेती हूँ खाला के लिए। सही। ये देखिए मैंने ऑमलेट बना लिया है और अभी मैं सैंडविच बनाऊंगी दो, एक खाला के लिए एक बाजी के लिए। तो अभी जो है ये देखिए इसको मैं आधा आधा कर लेती हूँ, एक बाजी को दूंगी एक खाला को दूंगी। ये देखिए ये हो गई है ब्रेड, ये हमारी हो गई है। सैंडविच बना रहे वो ये देखिए एक सैंडविच हमारा ये हो गया और एक और बना रही हूँ मैं बाजी के लिए, और ये निकालती हूँ मैं खाला के लिए। ये देखें बहुत मज़े का बनता है, काली मिर्ची नमक और टमाटर इसमें डालते हैं ऑमलेट में, तो वो बहुत मज़े का बनता है। तो अभी जो है मैं इसको भी बना रही हूँ। ये भी हो गया, ये दो हो गए, मैं खाला को दूंगी एक बाजी छोटी को दूंगी। और अभी जो है मैं इसको ट्रे में रखूंगी, सैंडविच रखूंगी रख दूंगी और इसमें भी यखनी रख दूंगी। देखिए ये खाला के लिए यखनी है, अभी मैं रख दूंगी तो नहीं जा रहे। देखिए गाड़ी यार, ये मैंने कहा कौन नैना क्या कर रही हो? मैं सांस सांस इधर लेती हो, घर में नहीं ले सकती हो सांस? अब देखो सांस लेने तुम्हारी सांस है तो सही है। क्यों नहीं? और सुनाओ और शाहरुख क्या कर रहे हैं? शाहरुख क्या कर रहे शाहरुख अभी नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ बस बाजी मैं पागल हो गई, मुझे जब आपने स्ट्रिक्टली मना किया था नीचे ना तुम कुछ लेके आई हो, मैं क्या बनाऊंगी तुम्हारे? आज आपकी छुट्टी है। हाँ आज आपकी छुट्टी है। आज मेरी छुट्टी है। अच्छा हीरा तुम कैसी हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? मदनी ठीक है? सब ठीक है। मम्मी पापा ठीक है? सब के सब ठीक है। अभी पंजाब जाऊंगी तो पता चलेगा क्या हाल है। कब जा रही हो? 80,000 के जूते पहने हुए? वाह भाई हमारे पास तो इतने महंगे। मैं इसे कह रही मेरे 80,000 के जूते खराब हो जाएंगे। अल्लाह मीना गई भी थी जो बोल रही थी कैसे। और बाजी आप तो सुबह सुबह चली गई थी ना? बाजी सब्जी लेने के लिए गई थी ना? सब्जी लेने गई थी तो आप काफी टाइम लगा के आई हैं। आज बाजी अकेली गई थी तो बाजी जो है ना वो सब्जियां लेके आई हैं और बहुत टाइम लगा के, तो तबीयत भी ठीक नहीं है अकेली जो गई थी। लेकिन मैं सब्सक्राइबर के आज। अच्छा किसी ने बोला था? नहीं नहीं वैसे ताकि उनको अच्छा अच्छा डिफरेंट जी जी। और तुम सुनाओ क्या खाओगी शाम को? नैना आज बहुत प्यारी लग रही है ना? हाँ बहुत ज्यादा। नैना तो है मेरी परी,
और मेरी शहजादी है नैना, नैना तो मेरी शहजादी है, मैं इसको इसका नाम मैंने शहजादी रखा है और परी रखा है, और अल्लाह पाक इसको नहीं अकेली नहीं मेरे साथ रहती, माँ के साथ शहजादी रहती है, और मैं नैना को बहुत सारी दुआएं देती हूँ, ये जो पिंक फूल खिले है ना इस तरह इसकी जिंदगी में सारी खुशियाँ आ जाएं, मेरी खुशियाँ ही अब तो मेरी जिंदगी में खुशियाँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ मैं, बहुत सारी खुशियाँ अल्लाह पाक नैना को दे और हंसती मुस्कुराती रहे, जो लोग जो मेरी जिंदगी में अच्छे नहीं हो मुझसे दूर रहे, मेरी जिंदगी में कुछ भी बुरा ना, कुछ भी नहीं करो उनको बोलने दो, तुम्हें अल्लाह पाक तुम्हारी नेकियां लिखेगा और उनको गुलाम मिलेगा, ठीक है, ऐसा खुश रहा करो, जो भी कुछ बोलते हैं तुम्हें कुछ कुछ नाम लेते हैं तुम्हारे, नागिन है फिसादिन है ऐसे बोलते हैं ना, गुनाह है उनके ऊपर, अल्लाह उनको देखेगा, और चुप करके खुश हो, जब भी कुछ बोलते हैं तो चुप हो जाया करो कि अल्लाह उनको देख रहा है, ठीक है, हाँ बोलो और बोलो और बोलो, अल्लाह पाक तुम मरोगे ना, जब मरोगे तो तुम मुंह दिखाओगे तो फिर तब पता चलेगा तुम लोगों क्या बोलते हो, किसी को क्या पता है कि कौन कैसा है कैसे रह रहे हैं और क्या है, ऐसे उठ के बैठ जाते हैं सुबह सुबह बातें करने के लिए, अल्लाह पूछे उनको, अल्लाह हिदायत दे कि वो ठीक हो जाए, हर किसी को पैसे मिलते हैं, पैसों के लिए किसी की गिबत करना ऐसे फिर अपने आप पे गुनाह डाल रहे हैं, अल्लाह हिदायत दे लोगों को, जो मैंने गुनाह किया, अच्छा भाई सारी दुनिया खुश रहे, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, पूरी दुनिया को जो भी बातें हमारे ऊपर कर रहे हैं अल्लाह पाक सबको खुश रखे, किसी पर नहीं कर रहे, नैना पे कर रहे, सब मिलके नैना को टारगेट, जब भी मरेंगे तो यही सवाल उनसे होगा कि नैना ने क्या किया था, और मरते भी नहीं, अच्छा जब भी आखिर एक दिन मरना है ना, कभी तो मरेंगे ना, मैंने एक चीज देखी, लोग भूल गए उन्होंने मरना है, हालांकि भूल गए हैं, सच कह रही हो, एक दिन में ना एक मर्तबा लाजमी मौत को याद किया करो, जब मैं वो चीज करती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को, लेकिन भाई एक दिन सबने मरना है और यही सवाल होंगे आगे, सवाल जवाब देने का फिर टाइम नहीं होगा इनको कि हमने कितने झूठ बोले थे और उसका हिसाब दो, फिर हिसाब देंगे तो तब पता चलेगा इनको कि क्या क्या हमने इस दुनिया पे इसलिए आए थे, अल्लाह पाक ने इसलिए भेजा कि जाके लोगों की गिबत करो, किसी के नाम रखो और ये करो और वो करो, खुदा इन लोगों को पूछेगा, बस मैं तो यही कहती हूँ और कुछ भी नहीं इन लोगों के बारे में कुछ बोलती। ये देखे भाई बाजी गई थी सब्जी लेने, तो मैं बाजी के साथ नहीं गई हूँ, और कुछ फ्रूट भी लाई हैं बाजी और सब्जियाँ भी लेके आई हैं, कुछ लेके आई हैं, तो आज मैं नहीं जा सकी, तो मुझे घर पे काम था और खाला की भी तबीयत सही नहीं है, तो उनके लिए मैं घर पे थी, और बाजी जो है ना गई थी अकेली, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, अकेले उसने काफ़ी टाइम में सब्जियां ढूंढ ढूंढ के फिर निकाली और वो किया, ये देखिए हमारी सब्जियां आ चुकी हैं, तो फ्रूट भी आ गए, और अभी हम खाना पकाऊंगी, आज देखते हैं क्या पकाते हैं। सही, ये देखें भाई मैं शलजम की आज सब्जी बना रही हूँ, और ये इसके जो पत्ते हैं ना, ये डंडियाँ, ये भी मैं डालूँगी इसमें, और ये शलजम को काट रही हूँ मैं, अभी सब्जी बनाऊँगी तो आप देखिएगा इतने मज़े की सब्जी बनती है, ये पत्ते फेंक देते हैं लोग तो हम नहीं फेंकते, इसको भी डालते हैं, और मछली बना रही हूँ और मैं फ्राई, तो मछली का भी दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या मसाले डालने होते हैं, और मछली को जो है मैं मसाले लगा के अभी एक घंटे के लिए रखूँगी, फिर जो है ना मैं वो फ्राई करूँगी, फिर दिखाती हूँ कि किस तरह से। ये देखिए मैंने मछली ली है, आज मछली बना रहे हैं फ्राई, ये देखिए, और इसमें मैं जो मसाले डाल रही हूँ तो मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से फ्राई मछली के मसाले जो है किस तरह से बनाती हूँ, और मेरा तरीका तो ये है, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है अपना अपना, और इसमें मैं पहले सिक्का डाल दूँगी, मैं लीमू डालूंगी, अभी ये देखिए मैं इसमें लीमू डाल रही हूँ, अभी इसमें लीमू डालेंगे, लीमू डाल के फिर मसाले डालते हैं सारे, ये देखिए डालूंगी,
है इसमें। ये डाल दिया और इसमें मैं लाल मिर्ची डाल रही हूँ। काफी लोग पूछ रहे थे कि भाई हमें समझ नहीं आ रही, तो अभी देखते हैं कि किस तरह से बना रहे हैं हम। आज तो मैं फ्राई कर रही हूँ, और पहले जो है मैंने वो किया था, सालन बनाया था मछली का, तो अभी भी मैं अजवाइन डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने अजवाइन भी डाल दिया। अभी इसमें मैं चाट मसाला डालूंगी। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, फिर इसको एक घंटे डेढ़ के लिए हम रख देंगे, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 6-10 मिनट रहते हैं, तो हम इसको फ्राई करेंगे भाई कोई 8 बजे तक, 8:30 तक से फ्राई करेंगे। ये देखें इसके जो कट है ना, इसमें मसाला लगना चाहिए। ये देखें, नहीं लगेगा तो ये अच्छा नहीं होता, तो फीका लगता है। सब मसाला इसमें लगा देंगे हम। ये देखें, ये हमारी मछली जो है बहुत मज़े की बनने वाली है। आप भी बनाएं इस तरह तो बहुत मज़े की बनेगी। डालेंगे हम ये देखिए प्याज मैंने डाल दिया ऑयल में, तो ये अभी ब्राउन होएंगे। तो ब्राउन हो जाएं तो फिर जो है ना मैं ये फिर सालन बना रही हूँ शलगम का, तो देखते हैं ब्राउन हो जाए फिर बनाते हैं सालन। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गए हैं, हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। ये देखें कम डाल रहे हैं, बाद में देखेंगे जो कम ज़्यादा ना हो जाए नमक। और अभी मैं हल्दी डालूंगी। ये देखें उसके बाद मैं लाल मिर्च डालूंगी थोड़ी सी। ये हम शलगम बना रहे हैं। ये देखें लाल मिर्च डाल रही हूँ इसमें, बंद नहीं करेंगे, हल्के चूल्हे पे रखेंगे तो थोड़ी देर में ये पक जाएंगे। ये शलगम के पत्ते हैं, ये मैं डाल रही हूँ इसमें, और अभी मैं इसमें डालूंगी शलगम। ये देखो ये मैं इसमें ग्रीन पे वाइट अच्छा लग रहा है। ये
करूंगी, फिर उसको मैं ढक्कन लगा के ना तो 15-20 मिनट के लिए रख दूंगी, तो हमारा सालन तैयार हो जाएगा। इतना मज़े का बनता है, आप भी बनाइएगा। तो ये बहुत मज़े का बनता है, ये देखें शलगम के पत्ते हैं और ये शलगम भी है और इसके पत्ते भी हैं, दोनों हैं। ये देखिए चिकन को कट कर लिया है और इसमें मैंने काली मिर्ची डाली है, नमक डाला है, कॉर्नफ्लावर डाला है, सिरका डाला है। तो ये देखें ये सब डाल दिया है मैंने इसमें और इसको अभी मैं मिक्स करूँगी। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, सोया सॉस भी डाल दिया है मैंने और काली मिर्ची सब डाल दी। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें अभी हम बना रहे हैं चौमैन। मैं रख दूंगी फिर इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए सही है। ये देखें भाई ये हमारा सालन हो गया है, शलगम का सालन हमारा तैयार हो गया है। अभी जो है मैं थोड़ा सा मैं भून रही हूँ, बस बंद कर देंगे चूल्हा, अभी हो गया। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, ये देखें हो गया तैयार। ये देखें चिकन लहसुन जो है ना मैं अभी इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ और इसमें ये मैं चिकन डालूंगी, इसको फ्राई करूंगी और हम चौमेन बना रहे हैं। तो ये अभी थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो मैं इसमें ये डालूंगी। ये देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें, फ्राई कर रही हूँ। फ्राई कर लूँ मैं फिर जो है ना बना के। ये देखिए पानी हमारा बॉयल हो गया है तो अभी हम इसमें ये डाल रहे हैं, तो ये थोड़ी देर में हो जाएंगे। चम्मच मैं लेके आती हूँ, इसको मिक्स करेंगे ऐसे। ये देखिए हम मिक्स कर रहे हैं और ये थोड़ी देर में हो जाएंगे, कुछ काटते हैं। ये देखिए ये फ्राई हो चुकी है हमारी चिकन और इसमें मैं कुटी हुई मिर्ची डाल रही हूँ। अभी जो है ना मैं इसमें ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ, तो हमारे चौमिन तैयार हो गए हैं। ये देखो ये सादा बनाया है, सब्जी वाले नहीं है, ये है सादा चिकन और चिकन चौमिन। चलो उस्मान बना सही। अभी हम मछली फ्राई कर रहे हैं। ये देखें भाई हमारी मछली तैयार हो गई है, फ्राई हो गई है। तो अभी फ्राई कर ली है हमने, ये देखें हमारी मछली तो हो चुकी है। आप भी ऐसे बना के देखें, बहुत अच्छी ही बनी है। ये देखें भाई हमारे चावल तैयार हो गए हैं, ये चौमिन है और ये हमारा सालन है शलगम का।
और ये हमारी मछली है, ये देखें हमारा खाना तैयार हो चुका है, तो अभी हम खाना लगाएंगे। ये देखें हमारा तैयार हो गया खाना, ये देखें कितना अच्छा बना है ये शलगम। मिक्सिस में मैंने पत्ते भी डाले थे और शलगम भी था, इसके पत्ते भी थे, तो बहुत अच्छा मज़े का बनता है। तो ये देखें ये हमारी मछली है, ये हमारे चावल है सादा, हमारे चाउमीन है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ, सब खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। बाबा ने ना अल्लाह पाक मेरे बच्चों को खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, और बहुत सारी दुआएं सब के लिए अल्लाह पाक सबको बहुत सारी खुशियां दे, अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर करे, सब के लिए बहुत सारी दुआएं। सबके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक सबको हंसता मुस्कुराता रखे, बहुत सारी खुशियां दे अल्लाह पाक सबको, और नैना को, बाबर को, अहमद को वो बहुत सारी खुशियाँ दे अल्लाह पाक, हंसता मुस्कराता रखे मेरे बच्चों को, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आमीन। और जितने भी मेरे बहन भाई हैं जो मुझे पसंद करते हैं, देखते हैं, सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सबका के मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं और मुझे देखते हैं, सबका दिल से शुक्रिया। आप सबको हंसता मुस्कराता रखे फूलों की तरह, और जो है ना अल्लाह पाक मेरी बाजी को भी बहुत सारी खुशियाँ दे, मेरी खाला को भी, खाला को भी अल्लाह पाक खुश रखे, अल्लाह पाक उसकी उसको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह करे वो जल्द ठीक हो जाएं और जैसे पहले होती थी, तो ठीक चलें फिरें अपने घर में। और बहुत सारी दुआएं मेरी खाला के लिए, खाला भी मेरी बाजी है ना, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे और सेहत के साथ, अल्लाह पाक उसको बहुत सारी खुशियाँ दे। और ये देखिए सुबह सुबह का टाइम कितना अच्छा होता है, सुबह सुबह मैं उठी हूँ, चाय बनाई है, चाय पी है, फिर जो है ना मैं थोड़ी देर बाहर आई हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह पाक मेरी बहनों को भी खुश रखे, मेरी माँ को भी, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो अल्लाह पाक उनको जल्द से सेहतयाब कर दे। और जो है ना अम्मी आने वाली है, अभी अम्मी जो है ना आने वाली है, कुछ दिनों में अम्मी आ जाएंगी हमारी, और अम्मी के साथ बैठना, बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। और अम्मी आ जाएंगी तो मैं हर दूसरे दिन जाऊंगी सितारा के घर, अम्मी से भी मिलूंगी। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, मेरी बहनों को, सलमा सितारा को, भाइयों को, नदीम को, फारूक को, सबके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। अच्छा जी, तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सबका दिल से शुक्रिया, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।